हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और आज का टॉपिक है कंप्यूटर टेस्ट ड्राइव का ट्रैक कैसा होता है कुवैत कंट्री में। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इस ट्रैक के बारे में आपको जानकारी देंगे। कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट और टेस्ट ड्राइव टेस्ट, ये जो दो टेस्ट होते हैं, इसी कैटेगरी पे कोई भी ड्राइवर्स कुवैत कंट्री में लाइसेंस लेकर के पास करके गाड़ी को चला सकता है। आज मैं आपको ट्रैक को लेकर के, यानी ट्रैक मीन्स बोले तो जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, एक एरिया है छोटा से, जहां पे आपको गाड़ी चला करके कुवैत कंट्री के पुलिस को दिखाना पड़ती है और आपको पुलिस सर्टिफाइड करता है कि आप ड्राइवर्स पक्के हो चुके हो और आपने टेस्ट ड्राइव पास कर ली है और टेस्ट ड्राइव में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुवैत कंट्री में गाड़ी चलाने लायक हो गए हो और आपको वो लाइसेंस इशू करते हैं, तो उसे टेस्ट ड्राइव बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव टेस्ट। जी हाँ, उसी टेस्ट ड्राइव टेस्ट के बारे में मैं बताऊंगा और कुछ बारीकियां समझाऊंगा, जिससे आप पहली बार में ही कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट ड्राइव दोनों आराम से पास कर सकते हो। चलिए देर न करते हुए आपको ले चलते हैं कुवैत ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की तरफ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। फिर से आप देख रहे हैं इस ट्रैक को और इस ट्रैक को पहचानिए। और इसी तरह का ट्रैक आपके सामने कुवैत कंट्री में आएगा, जिस तरीके से आप कुवैत में टेस्ट ड्राइव देंगे। अब आपके सामने देखिए, राइट हैंड साइड से आपको एंट्री लेना है और राइट हैंड साइड के बाद देखिए रोड पर भी एरो बना हुआ है जो सीधे निशान दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको मुड़ना है। और ये तीर का निशान आपको एरो का जो दिखाई दे रहा है, बस इन्हीं सब इशारों को, इन्हीं सब निशानों को देखते हुए आपको गाड़ी चलाना है। और आपके इस्तेमारे पे लिखा होगा कि किस नंबर पे आपको पार्किंग लगानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रैंक होते हैं और उसमें एक आपकी गाड़ी की चौड़ी ही इतनी जगह होती है और लाइन सफ़ेद टच नहीं करनी होती है आपको। तो आप राइट हैंड साइड से एंट्री लेंगे और बीच में जो आपको चौराहा नुमा दिख रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सीधे मुड़ जाएंगे। सीधे जाने के बाद आपको फिर लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना है और वहाँ पे गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्किंग लगी होंगी, आपको उन्हीं के पीछे पार्किंग लगा देना है। फिर जब आपको सुरता वाला या पुलिस वाला आपको मिलेगा तो आपको खुद ब खुद बताएगा कि आप इधर से ले जाओ और जजीरा निकालो। अब आपके सामने टीन शेड में, जो टीन शेड बड़ा सा दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कार मोड़ रही है उसी तरफ आपको जजीरा है। जजीरे के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप देख सकते हो और उससे समझ सकते हो। ये देखिए टीन शेड जो आपको दिख रहा है, इसी टीन शेड में जजीरा आपको क्रॉस करना पड़ता है। और जब इसको आप क्रॉस कर लेते हो तो आप अपने राइट हैंड साइड से आउटसाइड यानी कि गेट के बाहर हो जाओगे। और अगर आपने पार्किंग टच नहीं की है, कहीं पे जजीरा टच नहीं किया, डिवाइडर टच नहीं किया, रूल को फॉलो किया है, सिग्नल दिया है आपने, इंडिकेटर जला करके इशारा दिया है, मुड़ने का आपने इशारा दिया है, ऐसी कंडीशन को अगर फॉलो करते रहते हैं आप टेस्ट ड्राइव के दौरान, तो यानी समझ लीजिए कि आप पहली बढ़तवा में ही टेस्ट ड्राइव पास हो गए हो और आपको थोड़ी देर बाद गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। और जो हैवी ड्राइवर्स हैं, ट्रक हैं या जेसीबी वाले हैं या मिनी ट्रक वाले हैं, तो वो जजीरे के अलावा पार्किंग भी निकालते हैं और सामने जो आपको थोड़ा से ऊंचा नुमा पहाड़ी नुमा दिख रहा है वो उस ट्रैक पे भी चढ़ा करके उसी दौरान अपने राइट हैंड साइड से भी निकालते हुए वहाँ से भी उनको क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि ट्रक वगैरह को ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसको ऊपर चढ़ना पड़ता, नीचे चढ़ना पड़ता, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती, तो उसका भी एक ट्रैक आपके सामने शो हो रहा है, आप उसको बखूबी देख सकते हो। तो बस भाई, मेरा कहने का मतलब, देखिए सामने से आपके राइट हैंड साइड से गाड़ी आउटसाइड जा रही है, ये एक छोटा सा चौराहा है और सड़क पे बीच में भी सफ़ेद मार्क है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। आपको कहीं भी शीशे से सर नहीं निकालना, बैक मिरर और साइड मिरर और फ्रंट मिरर का ही इस्तेमाल करना है, सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। कंप्यूटराइज स्क्रीन टेस्ट जो दिया है, जो भी असेंबल को आपने सही निशान टिक किया, वही सारे असेंबल आपको यहाँ पे मिलेंगे हर एक मोड़ पर, उनको फॉलो करते हुए अपनी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड ना देते हुए स्लोली स्लोली बस आपको निकालना है।
आपको फास्ट ड्राइव नहीं करना है। देख रहे हैं आप किस तरीके से ट्रैक पे स्लोली स्लोली ड्राइव हो रही है, आपको बस इसी को इसी तरीके से निकालना है। और हो सके तो छोटी से छोटी गाड़ी ले जाइए, हुकूमा की मिल जाती है यहाँ पे 12-10 दिनार पे, वो आपको निकालने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।